मैं तो कैमरे में ये आ ही नहीं सकता। तो मेरा सबसे पहला व्यूवर होता है ना जो माल्टा की कचबोली खतरों के खिलाड़ी। गाइस बोतल खाली थी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजीज व्लॉग, और मैं हूँ अंजलि घिल्डियाल। तो आज सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं छत में आई हुई हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो ऐसा हो रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया था, यस हो पा रहा है मुझसे। तो फाइनली मैं पता क्या करती हूँ, अब जो हिमांशु भैया की शादी के व्लॉग्स हैं वो मैं सुबह उठ कर मतलब सुबह मैं उठ जाती हूँ, कभी 5:30 बजे कभी 6 बजे, तो सुबह उठ कर एडिट करती हूँ और फिर सुबह ही अपलोड कर देती हूँ। तो अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है यार। और तो फिर और ये हिमांशु भैया की आज मैंने अभी अभी वीडियो अपलोड करने के लिए छत में आई हूँ, तो ये आज लास्ट व्लॉग था भैया की शादी का, और बस इसके बाद फिर मेरे रेगुलर व्लॉग चलते रहेंगे। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा सुबह उठ के और छत पे आओ व्लॉग एडिट करके और अपलोड करने आ जाओ, थोड़ी देर घूमो, और मतलब अच्छा लगता है काफ़ी। सुबह का जो मतलब मौसम है ना, अल्टीमेट है एकदम, मतलब इतना मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मतलब मज़ा भी क्या आता है, बट बहुत सुकून टाइप का मिलता है कि वाह। और हमारे घर से ना पता है पूरे पहाड़ दिखाई देते हैं आगे की साइड, तो अगर वो कैमरे में आएंगे तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो अगर आप लोग देख रहे हैं उस साइड को पहाड़ दिखाई देते हैं, और जिस टाइम पे बारिश का मौसम होता है, सो जिस टाइम पे बारिश का मौसम होता है ना, मतलब बारिश हो जाती है उसके बाद जो ये देखने वाला नज़ारा है, मतलब मैं तो कैमरे में ये आ ही नहीं सकता, ये कैमरे में आ ही नहीं सकता, इतना प्यारा नज़ारा होता है और मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे जाना होगा नीचे, अपलोड हो भी गई होगी वीडियो, तो आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए और आगे के व्लॉग्स भी देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आई, मेरे जो सेकंड लास्ट वीडियो है भैया की शादी का, तो उसमें मुझे कुछ 2-3 कमेंट्स नए आए थे जो कि उसी शादी में होंगे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने वीडियो को देखा, कमेंट किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो वो लोग नए थे और उन्होंने ऐसे बोला कि अरे इस वीडियो में तो हम भी हैं, तो वो जो भी हैं वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ अब मैं नीचे चलती हूँ और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइज़ मैं नीचे आई और वीडियो अपलोड मेरी हो चुकी है। तो मेरा सबसे पहला व्यूवर होता है ना जो मेरे वीडियो को वॉच करता है, वो सबसे पहला इंसान ये है। क्या कर रहे हो मम्मी? क्या वीडियो देख रही हूँ। मेरी मम्मी मेरी सबसे पहली व्यूवर रहती है, हर बारी हर वीडियो में सबसे पहले देखती है वीडियो। अभी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है बाहर, और थोड़े दिन पहले एक मामा जी रहते हैं यहाँ पे, मतलब वो हमारे मामा जी हैं, तो वो हमारे लिए कुछ माल्टा, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी माल्टा वगैरह, तो आज हमने सोचा है कि आज हम उत्तराखंडी स्टाइल में वो जो नींबू का कुछ बनाते हैं, नींबू का सॉरी माल्टा जो भी होता है वो, उसका कुछ बनाते हैं, तो वो बनाएंगे। तो अभी मैं पहले मिर्ची और धनिया तोड़ने जा रही हूँ, लेके आती हूँ। तो यहाँ पर हमारी मिर्ची लगी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी लगी है मिर्चियाँ, और धनिया भी लगा हुआ है, तो दिखाती हूँ अभी। और इस साइड हमारा थोड़ा थोड़ा धनिया लगा हुआ है, तो फिर धनिया और मिर्च तोड़ लेती हूँ मैं पहले, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने बहुत सारा धनिया और मिर्ची तोड़ लिया है, मुझे थाली की ज़रूरत पड़ गई, मैंने इतना सारा तोड़ दिया। तो फिर ये तोड़ के अभी हम अंदर चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या क्या है, कैसे बनता है। किचन में आ गई हूँ और पहले ये धनिया और जो मिर्ची वगैरह जो जो इसमें डलता है वो सब धो धा के मैं छत में ले जाती हूँ, और छत में ही हम लोग ये सारा बनाने का काम वाम करेंगे, तो तब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग आ चुके हैं छत में और यहाँ पे सारा सामान ले आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है धनिया और इसमें मिर्च भी है, ये मिर्च है, और ये है लहसुन के पत्ते जो मैं पहले लाना भूल गई थी, दोबारा लेके आई। ये है मम्मी, इसको क्या कहते हैं, ये है माल्टा, और यहाँ पे हम
सिलवट्टा लेके आ चुके हैं, तो इस सिलवट्टे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पहले इसके लिए हमें नमक बनाना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे नमक तो पहले से बना होता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में एक स्पेशल नमक बनता है जिसको कहते हैं पिस्यू लूण। तो पहले हम वो बनाएंगे और फिर साथ में इसको बनाएंगे। तो मम्मी हम क्या बनाने वाले हैं पहले बताओ? पहले हम हरा नमक बनाएंगे। नहीं, इसको क्या कहते हैं जो हम ये बनाने वाले हैं? माल्टा की कचबोली। कचबोली जो भी होता है ये, तो ये बनाने वाले, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आज बनाना सिखाएंगे और बहुत अच्छी होती है। तो स्टार्ट करते हैं मम्मी। माल्टे को छाया में रख के आप कड़वे हो जाएंगे ना, तो जब तक। अच्छा हाँ, तो ये जो माल्टे होते हैं ना, तो इनको धूप में नहीं रखते क्योंकि ये कड़वे हो जाते हैं, तो इसीलिए पहले इसको छाया में रखेंगे। उसको छाया में ही बनाते हैं, हम धूप में बना रहे हैं। खतर हो के खिला धूप में बना रहे हैं हम इनको, कड़वे नहीं, लेकिन ये कड़वे नहीं होंगे, थोड़ी देर में होते हैं कड़वे, इतनी जल्दी भी नहीं होते होंगे, है मम्मी? तो पहले हम नमक बना लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे कचबोली को, कचबोली। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी स्टार्ट कर रही है बनाना। पहले मम्मी हरी मिर्च वगैरह छाट रहे हैं, लहसुन के पत्ते, लहसुन, हरा लहसुन। चाकू तो लाई नहीं। तो ये लहसुन के पत्ते कट रहे हैं अभी छोटे छोटे। तो पहले मम्मी इन सबको पीस रही है। तो अभी कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो चटनी बनाने लग गए, ये चटनी नहीं है क्योंकि चटनी में इतनी सारी मिर्ची नहीं डलती और इतना सारा नमक नहीं डलता, तो अब ये नमक ही बनेगा, पिस्यू लूण कहते हैं जिसको, मैंने आप लोगों को बताया था ना। छत में बैठे हैं मजे से, छत में बैठ के मजे से एकदम धूप सेक रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। नीचे तो बहुत ठंड लग रही है। अभी थोड़ा हल्का हो गया ना, अभी धनिया के पत्ते डालेंगे, धनिया की पत्ती। पत्ती ताजा ताजा धनिया, खुशबू इनकी अलग ही खुशबू है। हाँ, जो अपनी खेत की होती है ना उसमें अलग ही खुशबू आती है, तो उसमें टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। टेस्टी, अच्छा खुशबू करने के लिए इतना बहुत है। सो गाइस, यहाँ पे धनिया पिसना जैसे स्टार्ट हुआ, खुशबू इतनी अच्छी आने लगी कि मतलब अभी से खुशबू आ रही है। तो धनिया की और इन सब चीज़ों की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सच में बहुत मज़ा आता है। तो मम्मी गांव के बारे में बताना चाहोगे कुछ? हाँ, जब हम छोटे थे तब खाते थे नींबू, गलगल गलगल नींबू, नींबू होता है, बड़े बड़े नींबू होते हैं जिसको कुमाऊं में ही अलग तरीके से बनता है, लेकिन वो बड़े वाले नींबू होते हैं और उसको उसमें कुछ दही वही डाल के भी बनाते हैं वो लोग। तो ये क्योंकि ये वाले जो माल्टा होते हैं ये थोड़े से मीठे होते हैं उससे, तो ये इतने ज़्यादा खट्टे नहीं होते, इसीलिए इसमें वो नहीं डलता। इसमें चीनी भी डालते हैं। अरे चीनी तो मैं लाई नहीं, चीनी भी लेके आऊँगी मैं अभी नीचे से। तो ये जैसे ही पिसता है मैं तब तक वो काट लेती हूँ, माल्टे जो होते हैं वो काट लेती हूँ। तो गाइस अब बारी आ गई है नमक डालने की। इतना सारा नमक डल रहा है इसमें, किसी चटनी में इतना सारा नमक नहीं डलता है, इसीलिए मैंने बोला था ये चटनी नहीं बन रही है ना मम्मी। ये लून बन रहा, लून, पहाड़ी लून, पहाड़ी लून, पहाड़ी लून बन रहा है ये।
ठीक है इतने छोटे। थोड़ा अदरक भी डाल देंगे आज कल थोड़ा ठंड हो रखी, थोड़ा अदरक भी डाल देते हैं। ये पिस गया हमारा हरा नमक, ये हो गया हरा नमक, इसमें कटोरी में डाल देंगे, कटोरी में डाल देंगे। कभी भी जितना जरूरत पड़ेगा उतना डाल देंगे, नींबू में डालेंगे, बाकी और दिन खा लेंगे जब जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ में भी। ये डाल दिया हमने पीस के कटोरी में, ये तो छिल गया है, अभी तो बनाएंगे, बनाते बनाते बहुत टाइम लगेगा। अभी सो गाइस हमारा नमक शमक तो बन चुका है और अब मम्मी ये छिल रही है माल्टा, मैं भी हेल्प करती हूँ और फिर बनाते कचबोली। तो मम्मी माल्टा छिल रही है और मुझे ये करना है कि इसको अलग करना है। बीच में से छिल के और इसके अंदर का ये जो इसके पूरे तरह से उसको छिलना है और इसके अंदर का ये निकालना होता है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मसाला। तो ऐसे करके इसको अलग करना होता है। जयपुर बोतल जरा, अच्छा नहीं बोतल से पी दे दे तो काट देता हूँ। मतलब मम्मी ने थोड़े ऐसे तो बताने धक्का मर दो गया खले इसमें लोगों को, तो चलो बाद में पीऊंगी नींबू, नींबू बना के पीऊं, अभी नहीं पीती ले बाद में पीऊंगी। एपिक मोमेंट गाइस, बोतल खाली थी। मेरी मम्मी के एक्शन थे वो बस। एपिक मोमेंट हो गए। ये नींबू हमारे पड़ोसियों ने दे रखे माल्टे, मेरे चाचा लाए माल्टा, चाचा भी ला रखे, अब पड़ोसियों ने भी दे रखे, तीन चार लोगों ने, तीन चार ने। अर्चना आंटी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, कचबोली खिला रही, कचबोली खिला रहे आंटी हमें, और मामा जी कैप्टन आंटी, कैप्टन आंटी को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और कौन थे वो मामा जी, तो मामा जी को तो सबसे बड़ा धन्यवाद क्योंकि सबसे पहले वो ही लेके आए थे, तो मैंने ही मंगाए थे मामा जी से, मामा जी गांव गए हुए थे और वहां से लेके आए थे ये, तो मामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन मैं आपको कचबोली बना के खिलाऊंगी लेकिन आपको ये खुद लाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ मतलब यहाँ जहाँ अभी रामनगर में नहीं होते, पार में तो होते हैं, हाँ गाँव में होते हैं हमारे, पर लाने वाले नहीं है, लाने वाला कोई नहीं है। इस पर बिल्कुल भी धूप नहीं लगने देते, तो धूप नहीं लगने देनी है इस पर, मतलब ये धूप लग के कड़वा हो जाता है, तो इसलिए इस पर हम बिल्कुल भी धूप नहीं लगने देंगे। मम्मी की छाया ने इसको छत्र छाया में रखा हुआ है, मम्मी की छत्र छाया में बन रहा है। मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा तो कमर दर्द होता है, खट्टा मैं नहीं खाऊंगी। अंजलि अखिलेश खाएंगे। अभी मम्मी सबसे ज्यादा खाने वाली। परहेज करना पड़ेगा। ये मम्मी का जोक था, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इससे भी बारीक बनता है, पर जल्दी में है अभी खाना बनाना है, इससे बारीक बनता है पतला। अभी ट्रेनिंग हो रही है अंजलि, पहली बार बना रही। पहली बार कब बना रही हूँ, पहले भी बनाया मैंने, बनाया था पहले भी, तो बनाते थे हम जब नानी लाती थी।
हमारी नानी लेके आती थी गांव से इसको, तो तब भी हम बनाते थे। बहुत टाइम से नहीं बनाया, बहुत टाइम बाद ही खा लिया मैंने। अरे यार ये हो नहीं रहा, फेंक दे इसको। तो ये हो चुका है, वो धूप में है इसमें, ये हो चुका है। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे और ये भी डालना नमक। बस ज़्यादा हो जाएगा ये मीठा। कोई बात नहीं, मीठा ही बहुत अच्छा लगता है, खट्टे में मीठा। ज़्यादा मम्मी ज़्यादा ही, ये भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, लग रहा है खट्टे में नमक ज़्यादा लगता है। ये नमक भी डाल देंगे हम इसमें। तो मैं हाथ से ही मिला देती हूँ इसको, हाथ से ऐसे मिला दो, पूरा मिक्स होना चाहिए, सब कुछ लगना चाहिए मतलब। तो ये पापा भी नहीं खाते हैं इसको और अक्कू भी नहीं खाता है। पापा तो खाते हैं पर जुकाम के कारण नहीं खा रहे हैं। हाँ हाँ, पापा को सर्दी लगी है और सर्दी में ये चीज़ खाना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इस वजह से पापा के लिए नहीं है ये, ये सिर्फ मेरे और मम्मी के लिए बन रहा है। अखिलेश, अखिलेश कहाँ खाता है, वो खाएगा? अखिलेश हाँ मना कर रहा था वो तो। कौन कह रहे थे खाने जरा मेरे को नमक बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डाल दिया, ये ज़्यादा डाल। सो गाइस हमारी बन चुकी है कचबोली, तो ये हमारी कचबोली बन चुकी है और इसको धूप में नहीं रखना, सॉरी। तो अब हम इसको खा के देखते हैं कैसी बनी है ये, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसी है वैसे। सो गाइस फाइनली बन चुकी है कचबोली और अब मम्मी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अकेले ले, ये अकेले इसके लिए, पापा के लिए है, ले अंजलि इसको तो खा ले। किस वाले को, इसको? श्योर। सो गाइस हमारी कचबोली बन चुकी है और मम्मी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ये अक्कू के लिए, ये मेरे लिए और मम्मी के लिए। तो हमने थोड़ा सा ही बनाया था, है ना मम्मी? हाँ थोड़ा सा बनाया हमने, थोड़ा सा ही बनाया था पहले टेस्ट करने के लिए, और अभी हम टेस्ट करके बताते हैं पहले कैसा बना। ये अकेले इसके लिए रखा मैंने, पापा के लिए। ये टेस्ट करके बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखते हैं क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस कचबोली का श्रेय जाता है अर्चना आंटी को, मामा जी को और कैप्टन आंटी को, तो उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मुझे अंजू दीदी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि अंजू दीदी यहाँ पे होती, वो मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो दीदी को देख, मतलब ये चीज़ देख के, क्योंकि दीदी को ऐसे गांव वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मुझे अंजू दीदी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है इसको देख के। और अगर अंजू दीदी कभी यहाँ पर आएंगी तो फिर उनके लिए भी हम ऐसी कचबोली बनाएंगे, है ना मम्मी? हाँ, तो बस फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम इसको एंजॉय करने जा रहे हैं, तब तक के लिए आ जाओ, बाय। आ जाओ, खा जाओ, आओ खाओ।